प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो देश से लेकर प्रदेश के हर मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया बेबाकी से देते हैं। अब अनिल विज ने एक बार फिर से राहुल गांधी पर तंज कसा और साथ ही बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के किसानों को लेकर दिए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा सूबे के गृह मंत्री ने, इस रिपोर्ट में देखिए। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत इस बार अपने आतंकी वाले बयान को लेकर सियासी दलों के निशाने पर आ गई है। कंगना रनौत के समर्थन में आए प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने अब कंगना के इस बयान को सरासर गलत करार दिया है। विज ने कहा है कि संविधान में प्रदर्शन करने का अधिकार सभी को है, वो लोग अपनी मांग उठा रहे होते हैं, आतंकवादी नहीं होते। ये गलत है, प्रदर्शन करना संविधान में अधिकार है, अपनी मांगों को लेके कोई भी प्रदर्शन कर सकता है, वो आतंकवादी नहीं होते हैं, वो अपनी मांग उठा रहे होते हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच में जुटी एनसीबी को लेकर भी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। अनिल विज ने कहा कि एनसीबी बखूबी अपनी जाँच कर रही है और जल्द ही पूरी मुंबई साफ हो जाएगी। एनसीबी काम कर रही है, ठीक काम कर रही है और मुझे लगता है कि बॉम्बे पूरी तरह से क्लीन हो जाएगा। लगातार देश की आर्थिक आजादी को लेकर सवाल खड़े कर रहे राहुल गांधी पर भी हरियाणा के गृह मंत्री ने तंज कसा है। राहुल गांधी का तो लगता है आईसी खराब हो गया है, वो एक ही बात को बार बार रिपीट करी जा रहे हैं। उनको 50 बार उत्तर दिया जा चुका है कि जो कोरोना के कारण देश में जो जो असर पड़े हैं उनको बताए जा चुके हैं, लेकिन फिर वो उसी बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। हरियाणा में माफियाओं को अनिल विज ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में चाहे रेत माफिया हो, बजरी माफिया हो या शराब माफिया हो, इन सभी को खत्म करेंगे। माफिया कोई भी हो, रेत माफिया हो, बजरी माफिया हो, ओवरलोडिंग माफिया हो, शराब माफिया हो, इन सारों को खत्म करेंगे। मैंने आदेश दे दिए, इनको कहीं पर भी आबाद होने नहीं दिया जाएगा, इनके ऊपर पूरी सख्ती की जाएगी और पूरी कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है इस वक्त कृषि बिल को लेकर सरकार को विपक्ष के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार के मंत्री लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष को उसी भाषा में जवाब भी दिया जा रहा है। अम्बाला से अमन कपूर, इंडिया न्यूज, हरियाणा।